ये देखो निकला। अरे कह 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 पकड़ पकड़ नहीं दे। बहुत दोस्तों सांप। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल घनश्याम बाबा सर्प मित्र बस्ती में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का रेस्क्यू कॉल, दोस्तों मुझे आज गवा जंगल ग्राम सभा से मिला हुआ है। दोस्तों ये बझैया में पड़ता है। दोस्तों यहाँ पर एक डेयरी रखा हुआ है और उसी के डेयरी के जस्ट बगल में उस बीच में कोने में कोई जहरीला सांप देखा गया है। और दोस्तों ये बस्ती से तकरीबन ये 20 किलोमीटर के दूरी पे पड़ेगा। जो ये चाचा जी दिख रहे हैं, इन्हीं के घर में कोई जहरीला सांप दिखा है। अब इन्हीं से पूछते हैं। तो चाचा जी पहले आप अपना नाम बताएं, आप पूरा अपना नाम बताएं, आपका नाम क्या है, आप सांप कहाँ देखे हैं, घर में कितना टाइम हो गया देखे हुए? अरे कल रात 9 बजे रात के देखे। अच्छा ठीक है, तो जहाँ पर वो दिख रहा चलकर आप हमें बताएं। चलिए आप आगे चलकर बताएं जहाँ पर सांप देखें आप। तो दोस्तों चलकर देखते हैं कौन सा सांप है वो, और घर के अंदर दिखा दोस्तों, वहाँ पर डेयरी रखा हुआ है और जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं यही वो घर है। अब चलकर देखते हैं कौन सा सांप है वो। तो दोस्तों आप लोग वीडियो में बने रहिए, आप लोगों को निकाल कर दिखाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं घर के अंदर हम प्रवेश कर चुके हैं और दोस्तों यहाँ पर देखा गया है, ये वो कमरा है जो आप डेयरी लास्ट में देख रहे हैं, वहीं पर सांप देखा गया है। ये घर के लोग हैं दोस्तों, काफ़ी परेशान हैं, देख सकते हैं यहाँ पर शायद। अच्छा इसमें क्या रखा हुआ है डेयरी के अंदर? गेहूँ रखा हुआ है दोस्तों, इसमें गेहूँ रखा हुआ है जो हमारे प्राण की रक्षा करता है। अब आप देख सकते हैं शायद इनको गेहूँ निकालना था इसलिए यहाँ पर पल्ली लगाया गया है। दोस्तों अब सांप को निकाला जाएगा। इनका कहना है कि यहाँ कोने दिखा है कोई सांप, आपको दिखाना चाहेंगे हम। यहाँ तो दोस्तों अभी दिख नहीं रहा है वो, लेकिन दोस्तों एक काम करना पड़ेगा, हमें इस डेयरी को हटाना पड़ेगा। तो दोस्तों पहला नंबर इस गेहूँ को निकाल लेते, तो आप एक काम करिए, इस गेहूँ को जो निकालने जा रहे थे तो गेहूँ को निकलवाइए आप, फिर सांप को निकाला जाएगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों यही कमरा है, इसके अंदर दोस्तों यहीं पर खाना पीना सोना रहता है। ऐसे में क्या दोस्तों किसी के साथ हादसा हो सकता है, इसलिए दोस्तों सांपों को निकलना जाहिर सी बात है, इसलिए दोस्तों कि सांप चूहा खाने के चक्कर में घरों में आते हैं। बाहर बारिश हो रहा है, उनका बिल पानी से भर जा रहा है, इसलिए वो घरों में आते हैं। तो चलिए गेहूँ को निकलवाइए चाचा जी आप, फिर सांप को निकाला जाएगा। और दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं गेहूँ अब निकाला जा रहा है, और इस गेहूँ को पूरा निकालने के बाद ही दोस्तों सांप सामने आएगा। तो दोस्तों आप लोग वीडियो में बने रहिए, कहीं जाइएगा मत। आप लोग को निकाल कर दिखाते हैं कौन सा सांप है वो, किस प्रजाति का है, कोबरा है कि कामन करत है, धमिना है, फटार है, क्या जो भी कुछ रहेगा आप लोग को निकाल कर दिखाते हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। ये है दोस्तों गेहूँ जो कि हमारी प्राण की रक्षा करता है। हमारे यहाँ दोस्तों इसको डेयरी में इसलिए भरा जाता है कि ताकि सेफ्टी से बना रहे, घुन उन इसमें ना लगे। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं अब पूरा गेहूं निकाल दिया गया है, आप देख सकते हैं। अब दोस्तों इस डेयरी को हटाया जाएगा और फिर सांप को निकाला जाएगा। तो दोस्तों आप लोग वीडियो में देखते रहिए, बहुत अच्छा वीडियो बनने वाला है आज। डेयरी हटा करके सांप निकाला जा रहा है, ऐसा भी दोस्तों समय आ गया आज। चलिए डेयरी को पकड़िए आप भैया, इसी तरह उल्ट लो आप, ऐसे पूरा उल्ट लो। ढेरी आने दो, पूरा आने दो, आने दो, आने दो, आने दो, आने दो, आने दो, चलिए आने दो, खींच लो उसको, खींच लो, ले जाओ उसको बाहर, ले जाओ इसको बाहर लेकर जाओ। हाथ से हटाओ इसको, उठाओ एक बोरी, और जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं ढेरी को हटा दिया गया है और यहाँ पर दोस्तों ढेरों सारा बिल दिख रहा है, इसके नीचे हो सकता है डीजल है, मट्टी तेल नहीं है वो।
कोने वाला हटाओ, डिब्बी डिब्बा हटाओ पहले। अभी के गीटा हटाओ यहाँ से आगे से। ऐसे सुराख है तो ये तो पक्का है, कहे कि भाई मुंह से चालल ऐसे नहीं, उससे हटाओ भैया मुंह से चालल भाई वहाँ हो सकल कहूँ बैठा हुई। हाँ नीचे है जगह ना, ना भैया यहाँ पर कहीं पर होगा जरूर, ऐसी बात नहीं है। यहाँ से हटाना है तो से हटाओ हटाओ साफ हो जितना गया भैया उतना मना नहीं करो। ऐसी बात नहीं है, ये देखो निकला। और पकड़ पकड़ नहीं गए दोस्तों, सांप मिल चुका है आप देख सकते हैं, फेटार हो इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा असली फेटार। दोस्तों आप देख सकते हैं बिल के अंदर ये जा रहा था, पकड़ के रखना नहीं चला जाएगा। आ गया दोस्तों असली फेटार, इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा। हमने कहा था ना उसी ईटे के नीचे छुपा होगा ये, चलिए इसको बाहर लेकर आइए। असली फेटार, असली फेटार, आराम से लेके आना। दोस्तों आप देख सकते हैं इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा पकड़ लिया गया है, और काफ़ी दोस्तों खतरनाक है ये। और दोस्तों हमारे हैं इसको फेटार, गोहुंगन, नाग, इतने नामों से जाना जाता है दोस्तों इसको। बिहार झारखंड में इसको गोहुंगन फेटार के नाम से भी बोलते हैं दोस्तों। अलग अलग राज्यों में दोस्तों इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, क्योंकि दोस्तों इनके अंदर नीरोटॉक्सिन नामक जहर पाया जाता है। अगर ये किसी इंसान को काट लेता है तो 45 से 50 मिनट का समय रहता है आपको बचने का। अगर आप सीधा अपने जिला अस्पताल में लेकर जाएंगे तो आपकी जान बच सकती है, देख सकते हैं आप लोग। और दोस्तों ये पूरा एकदम सुस्त हो गया है, ऐसा लग रहा है फंड वंड काढ़ ही नहीं रहा, अब काढ़ा है थोड़ा। और आप देख सकते हैं ये घर के लोग हैं, गांव के लोग हैं, सब लोग दोस्तों यहां पर देख रहे हैं, काफ़ी अच्छे हैं दोस्तों यहां के लोग। और दोस्तों ये अजगैवा जंगल पड़ता है बस्ती जिला में, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं दोस्तों तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों एक कमेंट एक लाइक ज़रूर करें। बहुत खतरनाक फटार, असली फटार हो, असली फटार तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं इसको पकड़ लिया गया है। अब इसको सुरक्षित इसको एक बोरी में पैक कर देते हैं, तो बिना समय गवाए दोस्तों इसको फाइनली पैक कर देते हैं। और ये गांव के लोग हैं, घर के लोग हैं, काफ़ी अच्छे हैं। और एक बात और कहना चाहूँगा, अगर किसी को सांप काटता है तो सीधा आपको अपने जिला अस्पताल जाना है, किसी झाड़ फूक तंत्र विद्या के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि आज तक जितने लोग झाड़ फूक में बझे हैं कोई बचा नहीं है। तो ऐसा घटना अगर आपके गांव में किसी के साथ होता है तो सीधा आपको अपने जिला अस्पताल जाना है, ठीक है, किसी झाड़ फूक तंत्र विद्या के चक्कर में नहीं पड़ना है। और भैया क्या हाल है, सब बढ़िया है? ये हमारे गाँव के हैं, काफ़ी अच्छे हैं, जा रहे थे रास्ते से तो बोले कि सांप को देख लेते हैं, चलिए ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसको आप फाइनली पैक कर देते, चलिए इसको पैक कीजिए आप। और जैसा कि दोस्तों ये देख रहे हैं आप लोग ये छोरी के अंदर जा चुका है। और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, फिर किसी जंतुओं को बचाते हुए।
तब तक के लिए आप सभा में जय दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।